Subscribe and press the bell icon and never miss an episode from Clipper 28. कोरबा जिले के विकास खंड पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पसान में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य जेआर बेन पर अपने ही स्कूल के शिक्षिका स्कूल स्टॉप व विद्यार्थियों के द्वारा थाना में अभद्रता व्यवहार एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप की शिकायत दर्ज करवाई गई। हायर सेकेंडरी में पदस्थ वर्ग एक शिक्षिका प्रियंका जायसवाल द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया गया कि प्राचार्य बेन के द्वारा उन्हें व स्टॉप शिक्षकों व छात्राओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा। शिक्षकों के अनुसार 26 फरवरी को बाहर से आए हुए अधिकारियों के द्वारा स्कूल संबंधित जांच किया गया था। जांच की वजह से प्राचार्य बेन आक्रोश में थी। उन्होंने अपना आक्रोश 27 फरवरी को विद्यालय में आकर शिक्षिका के ऊपर व्यक्त किया। जब शिक्षिका कक्षा 7वीं के बच्चों को पढ़ा रही थी, उसी समय प्राचार्य बेन के द्वारा शिक्षिका प्रियंका जायसवाल के साथ अपशब्द व गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई, जिससे कि वे नीचे गिर गईं। बच्चों के साथ भी प्राचार्य द्वारा आए दिन अभद्रता व्यवहार एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। प्राचार्य के इस रवैये से त्रस्त होकर प्रियंका जायसवाल अन्य शिक्षकों एवं बच्चों के द्वारा पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत की और प्रशासन से प्राचार्य पर कार्यवाही की मांग की गई। सर, ये बच्चे थाना आए हुए हैं, क्या मामला है? बच्चे लोग अपने मैडम हैं श्रीमती प्रियंका जायसवाल जी, उनके साथ में रिपोर्ट करने के लिए प्रिंसिपल है श्रीमती जे आर बेन मैडम, इनके द्वारा प्रार्थी प्रियंका जायसवाल जी हैं, वो बच्चों के सामने में अक्सर विवाद झगड़ा कर अपशब्दों का प्रयोग करके उसके पूर्व से टूटे हुए राइट हैंड को पकड़ कर खींचने से दर्द होने के संबंध में लिखित शिकायत दी है और मैडम जी का मुलाजा फार्म भर करके PSC पसान मुलाजा कराने की जगह बाद आने नतीजा के आवेदन पत्र जाँच के लिए धार्मिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी वरिष्ठ के अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा, जिसके अनुसार जो अधिकारियों का आदेश होगा। कि आप लोग थाने क्यों आए हैं मैडम? कंप्लेन लिखाने के लिए। किसके खिलाफ कंप्लेन? जे प्रिंसिपल मैडम के खिलाफ। क्या हो गया? प्रिंसिपल मैडम हमेशा हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करती हैं, बच्चों को भी बहुत टॉर्चर करती हैं। कल अधिकारी आए थे जांच के लिए, जिसकी वजह से उनके में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और वो हम लोगों को सुबह से बच्चों को हम लोगों को अपशब्द बोल रही थी और उसी को लेते हुए वो इतने गुस्से में थी कि वो मुझे बहुत अपशब्द बोलते हुए क्लास में घुसी और मेरा हाथ पकड़ के, जो पहले से टूटा हुआ है, और मेरा हाथ को पकड़ के मुझे हाथ उठाई मारने के लिए। मैं अपने हाथ को बचाते हुए, हाथ मेरा खींच दी थी पूरी तरीके से, और मैं अपने हाथ को बचाते हुए, क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर बहुत बुरी तरीके से, बचाते हुए मैं और अंदर क्लास में घुसी और मुझे बहुत अपशब्द बोली और मारने के लिए, मतलब दौड़ाई मुझे और ज़्यादा, लेकिन मैं खुद को बचाते हुए क्लास में और ज़्यादा घुस गई कि मेरा हाथ ना उखड़ हो। आपका शुभ नाम? प्रियंका जायसवाल जी। आप, आपके साथ भी कुछ ऐसा? जी सर, मैं बगल वाली क्लास में पढ़ा रही थी और मैडम की जोर से आवाज़ आई तो मैं निकल के देखी, मैडम का हाथ पकड़ी हुई थी और बिल्कुल ये खींच रही थी हाथों छुड़ा के अंदर साइड की। हम लोग बहुत सारी फोटो में देख रहे हैं, बच्चे लोग झाड़ू लगा रहे हैं, आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? करते हैं सर, हम लोग थोड़ी वेतन देने की धमकी, CRB गाड़ी, इस तुम्हारा CRB बढ़ जाएगा तो फिर मत बोलना। तो ये बच्चे जो अभी थाने आए हैं, ये अपने से आए हैं कि आप लोगों ने? आप लोग बताइए। आप लोग बताइए। अपने से आए। क्यों आए बेटा आप लोग थाना, क्यों आए हो? किसकी किसकी कंप्लेन करने के लिए आए हो आप लोग? क्या क्या हो गया, क्यों कंप्लेन करने आए? हम टीचर प्रियंका मैम जबरदस्ती क्लास में गई और मैडम को जबरदस्ती खींच रही थी, मतलब मारने के लिए। तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम को मारने के लिए उठ गई थी, ऐसा है क्या? नहीं, हाँ। मैडम प्रियंका मैम को मारने के लिए उठी थी। अच्छा, मारने के लिए। वो बोली कि हम लोग प्रवेश पत्र नहीं देंगे, प्रियंका मैडम को जा से बता दो कि ये सब बोल रहे थे मैं। तो हम लोग गए प्रियंका मैम के पास, तो फिर हम हमारे पीछे पीछे प्रिंसिपल मैम भी आई और फिर प्रियंका मैम का हाथ जो पहले से टूटा है उसी को खींच। बेटा बहुत सारी मैं फ़ोटो देख रहा हूँ जिसमें आप लोग स्कूल में काम करते हुए दिख रहे हो, कहीं आप लोग बर्तन मांजते हुए दिख रहे हो, कहीं झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हो, या किसी गेस्ट को नाश्ता सर्व करते हुए दिख रहे हो, क्या सही है?
मैडम आप लोग से काम कराती हैं जी, झाड़ू भी लगवाती हैं जी, तो आप लोग इसका विरोध नहीं करें? तो क्या बोलती हैं मैडम? टाई बेल्ट वाला क्या है? टाई बेल्ट का क्या मामला? अच्छा जबरन, अच्छा जबरन मजबूर किया जा रहा है आप लोग, उसका फीस लिया जा रहा है टाई बेल्ट का, और फीस ज़्यादा ले रहे हैं सर, रसीद वगैरह कुछ नहीं देते। अच्छा जो परीक्षा फीस ली जा रही है उसकी रसीद नहीं दी जा रही है, कितना पैसा ली है मैडम आप लोग से? 800 लिए थे। वो तो 400 कुछ है बेटा, वो नहीं 800 लिए थे हम लोग से, और फिर 600 वो परीक्षा फीस लिए थे, और उसके बाद फिर अभी प्री बोर्ड का मांग रहे थे। और नहीं दोगे तो? इस प्रकार की धमकी लगातार दी जा रही है आपको। और मध्याह्न भोजन मिलता है? रोज नहीं मिलता मध्याह्न भोजन आपको, क्या बोलते हैं जब आप मध्याह्न भोजन के लिए पूछते हैं तो मैडम द्वारा क्या बोला जाता है आपको? टिफिन लेके आना बोलते हैं, खाना नहीं। मैं तो सुनो बेटा, मैडम आपको धमकी भी देती है कि मेरे हिसाब से चलो नहीं तो फेल कर दूंगी। सही है बात जी। तो आप लोग जो अधिकारी कभी आते हैं उसको आप लोग बताते नहीं क्या? चलो ठीक। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।